Thank you, Rahul ji. Now, I would like to invite Atul ji to the podium. मैं 10 मिनट ही बोलूँगा। जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो आपका नाम अमीषा है, अमीषा जी ने मुझे भांति भांति के विशेषणों से, उपनामों से अलंकृत किया, एंटरप्रेन्योर, विजनरी, फाउंडर। मैं यदा कदा मेरा नाम प्रकाशित होता रहता है समाचार पत्रों में, वहाँ पर मुझे राइट विंग ट्रोल या हिंदू ट्रोल करके बुलाया जाता है। हालांकि भारत जो है वो इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड अ सोसाइटी टू बी बेसिकली अंडरस्टूड इन द बाइनरी ऑफ राइट एंड लेफ्ट। अब यहाँ पर कुछ बातें कही गई थी, जो प्रथम सेशन था उसमें कुछ बातें कही गई, कुछ बातें भी राहुल जी ने भी कही। तो हालांकि मैं जो भी अधिकतर बातें कही गई हैं मैं उनसे सामंजस्य रखता हूँ, मुझे भी लगता है कि जो बातें कही गई वो सही हैं, परंतु कुछ बातें जो कही गई हैं मेरा उनसे दूर दूर तक कोई उनके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर हिंदू द्वेष की बात कर रहे हैं एक हाथ पर, और दूसरे हाथ पर हम लोग बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की। सही है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पूरे का पूरा, जो हमारा पूरी की पूरी धरती है वो कुटुंब है, परिवार है, ये सत्य है। परंतु हम जिस वसुधा को कुटुंब बनाना चाहते हैं, क्या वो वसुधा जहाँ पर नाना प्रकार के धर्म संप्रदाय रिलीजन्स है, क्या वो हमें कुटुंब समझती हैं? तो जो कुटुंब है उसके साथ कुटुंब जैसा आचरण करना ये स्वाभाविक भी है और सही भी है, परंतु जिसका आचरण ही शत्रुवत है उसके साथ मुझे नहीं लगता है कि आप कुटुंब जैसा आपको आचरण करना चाहिए। दूसरी, धन्यवाद, दूसरी बात यहाँ एक और उठी कि हम बड़े शांतिपूर्ण देश हैं, हम बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, हमने कभी किसी पर कोई तलवार नहीं उठाई। मैं आज इस मंच पर आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि हम भयंकर लड़ाके देश हैं, भयंकर, आज से नहीं, भगवान श्री राम के समय से, अन्यथा अश्वमेध यज्ञ क्यों होता, अन्यथा राजसूय यज्ञ क्यों होता। भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो उनका घोड़ा हर जगह घूम रहा है, और जिसने उस अश्व की कशा पकड़ी उसने श्री राम के धनुष को ललकार दिया, और उसके बाद श्री राम युद्ध में देखेंगे कि तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूँ। जब श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का करने का प्रण किया, तो उन्होंने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया कि जाइए और जाकर के हर राजा को बोलिए कि या तो हमें कर दो, अर्थात हमारे जिसको बोलते हैं वेसल स्टेट बनो, अन्यथा हमसे युद्ध करो। कुछ लोगों ने युद्ध किया, हारे, और अंततः उन्होंने युधिष्ठिर का स्वामित्व उसको स्वीकार किया, और कुछ थे जो जिन्होंने ऐसे ही कर दिया कि भाई ठीक है, भाई पांडवों से कौन लड़े, अर्जुन से कौन लड़े, भीम से कौन लड़े। तो हम, और अगर ये तो खैर हो गई पुरानी बातें, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बातें, अगर हम थोड़ा सा 600-700 साल पहले की भी बात अगर हम करें, 600-700 साल, मैं थोड़ा इसमें कन्फ्यूज हूँ किस टाइमलाइन का है, लेकिन अगर हम कश्मीर के काकोटिया वंश की बात करें, आप लोगों ने ललितादित्य मुक्तपीढ़ का नाम सुना है, ललितादित्य मुक्तपीढ़ घर में बैठकर वसुधैव कुटुंबकम का सुबह शाम जाप नहीं करते थे, और ना ही वह ये कहते थे कि मैं राज्य विस्तार नहीं करूँगा। चीन, कोरिया और पूरा का पूरा जो आज के देश में जिसको हम जो कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो सारे पार्ट्स हैं, वो हर जगह तक ललितादित्य मुक्तपीढ़ के नाम से लोग थरथराते थे। तो हम बहुत बड़े योद्धा देश हैं, और ये हमने किसी पर युद्ध नहीं किया, जो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी भी बार बार जाकर विश्व पटल पर कहते रहते हैं, चाहे वो UN हो, चाहे वो कोई और भी हो, वहाँ कहते रहते हैं। तो मैं इससे बिल्कुल सरोकार नहीं रखता हूँ। और मैं श्री कृष्ण जी का बड़ा उपासक हूँ, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण जी बड़े प्रैक्टिकल लगते हैं, प्रैक्टिकल देवता लगते हैं।
राम जी का तो खैर हूँ ही, मेरे पुत्र का नाम मैंने राम जी के नाम पर ही रखा है तो वैसे, लेकिन मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि वो धर्म में भी विश्वास रखते हैं और कर्म में भी विश्वास रखते हैं। उनके लिए जो, जैसे अमेरिकन जो कहते हैं ना, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति जो है, लक्ष्य की जो सिद्धि है वही महत्वपूर्ण है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, जयद्रथ का वध करने के लिए अगर अपनी तर्जनी उठाकर अगर सूर्य को ढकना पड़े तो उसमें कोई हानि नहीं है। द्रोण से उसका धनुष और बाण भूमि पर रखवा कर उसे निशस्त्र करना है, उसके लिए अश्वत्थामा मर गया नाम का फेक न्यूज़ फैलाना धर्म है या नहीं है, इसके ऊपर हो सकता है विवाद, परंतु सही तो बिल्कुल है। अन्यथा जब द्रोण अपने हाथ में धनुष बाण लेकर चढ़ते थे तो उनसे लड़ने में अर्जुन भी कभी कभी थरथराते थे। तो मेरा ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गीता अभी मुझे उसमें उपहार में भी मिली है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक, इट्स अ जनरल ट्रीटीज, इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजियस डॉक्यूमेंट, इट्स अ जनरल ट्रीटीज। और उसमें श्री कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है अर्जुन को कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, जित्वा वा भोग्यसी धरा, यानी कि अगर मर जाओगे तो स्वर्ग में निवास करोगे, अगर युद्ध करते करते जीत गए तो वसुधा का आनंद उठाओगे। तदस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। तो अगर द्वेष नाम के शत्रु को हमें मिटाना है तो हमें क्षमा नाम के जो हमारे, और दया क्षमा ये सब हमें रखना चाहिए, सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं इस समय तो संदूक में कहीं बंद करके। और जो हमारा रोष है, हमारा कोप है, और जो हमारी एक जो हमारी विद्वता है कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे, वो हमें बहुत बहुत सामने से आकर मुखर होकर बोलना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, TFI ग्लोबल के बारे में आपको बताया अमीषा जी ने। TFI ग्लोबल इज बेसिकली अ न्यूज़ पोर्टल वेर इन वी डिस्कस ओनली geopolitical affairs and geopolitical news. Now I am one of the anchors along with, I'm one of the main anchors along with a couple more anchors. Now on the auspicious occasion of Ram Navami, I went to host one of my shows which is called The New World Order with Urdhvapund. I'm sure you guys know what Urdhvapund is, like Tripund jo Shivji ka mark hota hai, Urdhvapund Vaishnav mark hota hai, jo U-shaped tika hota hai beech mein lal. तो मैं उर्ध्वपुंड लगा के गया। वहाँ पे स्कॉट नाम के किसी अमेरिकन ने मुझे नीचे कमेंट में लिख के बोला, दैट्स अ नास्टी वुंड राइट देयर, ये बड़ा खतरनाक सा घाव लग रहा है तुम्हारे उस पर। ऐसा नहीं कि वो मेरा अपमान करना चाह रहा था, उसे सच में लगा कि कोई घाव है, उसे लाल रंग का बीच से खून निकल रहा है। फिर मैंने उसे चेस समझाया कि नहीं भैया, ये इसको उर्ध्वपुंड कहते हैं, ये हमारे मुख्य तिलकों में से एक है, ये भगवान विष्णु के लिए है, और भगवान विष्णु के जो भी अवतार होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण की हो, चाहे श्री राम की हो और अन्य अवतारों की हो, तो हम उसकी उस समय, उस पूजा के समय हम उर्ध्वपुंड लगाते हैं, और अगर हम शिव या शैव परंपराओं में क्या काम के थ्रू हम पूजन करते हैं तो हम त्रिपुंड धारण करते हैं, और ये इसका वो है, और ये सैंडलवुड पेस्ट से बनता है, ये टीका ऐसे बनता है। दैट गाय वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट समबडी एक्चुअली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स। That guy was not trying to troll me. लगता है कि मेरा भाषण कुछ ज़्यादा ही ओजस्वी निकला, लोग जोश में आ गए। अच्छा खैर, तो मैं बस यही कह रहा था कि आप अगर, क्योंकि जनरली आप मुझे सूट पैंट शर्ट टाई ये लगा के बैठना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन्स एंड फोक्स फ्रॉम यूके एंड फोक्स फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी एंड इटली एंड वॉट नॉट, supposed civilized western world, so we should be dressing up like them. But I'm not saying that I do not wear suits and shirts and pants. I do wear that, but that does not mean that I'm going to stop wearing my stuff, or after 5 years in America and come back and mujhe hindi thoda thoda aata hai, no, I'm not going to do that. My accent, my vichar won't change, and that is hindu dvesh. और कुछ चीज़ें
मैं बस अगर 2 मिनट समय और मिल सकता है तो मैं 10 मिनट हो गया क्या मेरा, बस 2 मिनट और मैं लूँगा। बड़ी स्ट्रिक्ट हेडमास्टर की तरह बता रही हैं। तो मैं पुस्तक, बड़ी सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ, मैं हफ्ते में लगभग 2 पुस्तकें पढ़ जाता हूँ, थोड़ा तेज़ पढ़ता हूँ मैं। मैं अभी हाल फिलहाल में एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जो विश्व है वो रियल नहीं है। व्हाटएवर वी परसीव दिस वर्ल्ड, दिस प्लैनेट इज़ नॉट रियल, इट्स होलोग्राम। जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी होती है, इट्स अ होलोग्राम। तो मैं पढ़ता गया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये थोड़ा जो मेटाफिजिक एस्ट्रोफिजिक्स टाइप कोई स्टफ होता है, तो आई लाइक इट बिकॉज प्रीडोमिनेंटली आई एम अ टेकी और मैंने काफ़ी पढ़ा है फिजिक्स। तो पढ़ता गया। उसमें वो इस्लाम से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि इस्लाम में ये लिखा है, कुछ चीज़ें न्यू टेस्टामेंट से बताई, कुछ चीज़ें ओल्ड टेस्टामेंट से बताई, कुछ चीज़ें टोरा से बताई। मैंने बोला कि भाई जहाँ से तूने पूरा कम्प्लीटली शब्द बाय शब्द कॉपी पेस्ट किया है, आप सर उपनिषद की बात कर रहे थे तो आप समझेंगे ये कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट है मांडुक्य उपनिषद का। मांडुक्य उपनिषद जो है वो क्लियरली बताता है जो कॉन्सेप्ट है कि जगत मिथ्या हरि सत्यम। तो यानी कि जो आप जो अद्वैत फिलॉसफी है उसी फिलॉसफी को उसने बस थोड़े भारी भरकम इंग्लिश लिटरेचर में लिख दिया था। और मांडुक्य उपनिषद सिर्फ 8 श्लोक हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके ऊपर जो गौड़पाद जी का जो करिका है वो ज़्यादा बड़ी है उन पर, लेकिन वो मांडुक्य उपनिषद को उसने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया और उसमें कहीं भी कोई फुटनोट तक नहीं कि भैया हमने यहाँ से उठाया। तो अगर मुझे नहीं पता होता, मैंने उसको 2 पेज का उनको लेटर लिख के भेजा कि आप लिखिए, और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने बोला नेक्स्ट एडिशन में हम फुटनोट में डालेंगे कि हमने मांडुक्य उपनिषद से इसको लिया था। तो जब तक हम ऐसे नैरेटिव्स को चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी बातों को मुखर होकर के नहीं रखेंगे, और एक और बात, जब तक हम अपने पुत्रों और पुत्रियों का नाम विवान विहान विशान निहान निमान और अयारा कियारा टियारा रखते रहेंगे, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। मैंने अपने पुत्र का नाम रखा ऐक्षवाक, यानी वह जो इक्ष्वाकों के बन चुका है, यानी श्रीराम। लोगों को लगा कि एक ऐसा नाम है टंग ट्विस्टर है, आपको तो अपने बच्चे का नाम विहान रखना चाहिए था या विमान रखना। मैंने बोला मेरे बेटे का नाम विमान क्यों होगा, वो फ्लाइट थोड़ी ना। तो ऐसे ही नाम चल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मेरा एक शोध है, हालांकि समय नहीं है, वरना मैं इसके बारे में थोड़ा और बताता। मैं ट्विटर पे फ्री कंसल्टेशन देता हूँ, अगर किसी को करवाना हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मुझे सहने के लिए, और मैं जोक्स थोड़े ज़्यादा क्रैक करता हूँ, और आई होप कि आई डिड नॉट रियली ब्रेक द मर्यादा ऑफ द इवेंट। एंड विद दैट नोट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू। जय श्री राम।